यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट के वुजरा के साथ मीटिंग करके लॉकडाउन के दौरान उसके बाद के हालात को लेकर हिकमत अमली तय की है। इस मीटिंग में रियासती सरकार के 19 वजीर शामिल हुए। यूपी सरकार अब रियासत को पटरी पर लाने के लिए 15 अप्रैल से लॉकडाउन के बाहर आने वाली है। वुजरा अफसरान सामाजिक दूरी पर अमल करते हुए कामकाज संभालेंगे। सीनियर वुजरा की 6 कमेटियां हिकमत अमली बनाएंगी कि लॉकडाउन में मुतासिर हुई मईशत, तालीमी, मेडिकल और समाजी निजाम को कैसे संभाला जाए। सीएम ने वजीर और सीनियर अफसरान को 15 अप्रैल से दफ्तर में बैठकर अपने अपने महकमे के जरिए कामकाज निपटाने के लिए कहा है। सीएम योगी ने कहा कि रियासत में 2,34,00,000 किसानों को 2,000 रूपए सीधे उनके बैंक खातों में देने का इंतजाम किया गया है। इस बारे में कहा गया है कि 15 अप्रैल से वे अपने कार्यालयों में बैठे सामान्य कामकाज को निपटाएं, अपने प्रभारी जनपदों में जो वहां पे शासन से जुड़ी हुई केंद्र और प्रदेश सरकार की गरीब कल्याणकारी योजनाएं हैं इनकी मॉनिटरिंग करने के साथ साथ विभागीय कार्यों को संपादित करने की व्यवस्था करें। विशेष सचिव स्तर के ऊपर के अधिकारी भी कार्यालय में आएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए मंत्री के साथ बैठ करके प्रमुख सचिव और अन्य जो अधिकारी गण है वे इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि किन कर्मचारियों को आना है उसकी भी कैटेगरी ये लोग तय करेंगे। इसको हम लोग तत्काल प्रभाव से लागू कर रहे हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण को तो हमें रोकना ही रोकना है, लेकिन साथ साथ हमें उन सामान्य कार्यों को भी आगे बढ़ाने की कार्रवाई करनी है जिससे एक सामान्य कामकाज भी इस रूप में आगे बढ़ सके कि कहीं भी कोई समस्या ना आने पाए। और इस दृश्य आज हम लोगों ने प्रदेश के अंदर तत्काल कुछ कमेटियां गठित की हैं जो 15 के बाद से किस प्रकार की हमारी कार्रवाई होनी है। डॉक्टर दिनेश शर्मा जी उप मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है जो कमेटी इस चीज को तय करेगी। पाठ्यक्रम को ऑनलाइन करना, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग के लिए आवश्यक है कि अभी स्कूल कॉलेजेज को हम खोलेना और बच्चों की पढ़ाई में बाधा भी न पहुंचे, इसके लिए आवश्यक है कि हम लोग ऑनलाइन पाठ्यक्रम को आगे बढ़ा सकें। कृषि मंत्री की अध्यक्षता की कमेटी किसानों से जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान करने, क्योंकि खेती बाड़ी का समय है, खेती किसानों की तैयार है। कंबाइन मशीन, हार्वेस्टर, यद्यपि 4,700 से अधिक कंबाइन मशीन आज के समय में प्रदेश के अंदर उपलब्ध कराया जा चुका है, फिर भी कहीं कोई समस्या न होने पाए, इसको हम मनरेगा के साथ जोड़कर कैसे कार्य कर सकते हैं, यह कृषि मंत्री की अध्यक्षता की कमेटी कार्य करेगी। और साथ साथ प्रोक्यूरमेंट की कार्रवाई को भी हम व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ा सकें। खेत में ही या किसान के घर से ही अगर हम खरीदारी कर सकें, लेकिन एमएसएमई जो एमएसपी से कम लाभ यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम लाभ किसान को न मिले, उससे कम दाम न मिले, इस चीज पर हम लोग पूरी कड़ाई लागू करें। इसके लिए एफपीओस को वहां पे भेजना या अन्य कंपनियों को वहां पर अलाउ करना और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी के साथ इस कार्रवाई को आगे बढ़ाने की कार्य हो, इस पर भी यह कमेटी कृषि मंत्री की अध्यक्षता की कमेटी कार्य करेगी।